हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल प्रपोजिशन के बारे में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डबल प्रपोजिशन क्या होते हैं? ये प्रपोजिशन डबल से मतलब क्या हुआ, लेकिन प्रपोजिशन तो है बट डबल है, एक नहीं है प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन से मिलकर ये एक प्रपोजिशन बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल प्रपोजिशन। व्हेन टू प्रपोजिशंस वर्क एज अ सिंगल प्रपोजिशन, वही बात है, जब दो प्रपोजिशन सिंगल प्रपोजिशन की तरह वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं डबल प्रपोजिशन। और ये प्रपोजिशंस रिलेशन बताते हैं किसी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से, नाउन का नाउन से भी रिलेशन बता सकते हैं ये डबल प्रपोजिशंस, वर्ब का नाउन से भी रिलेशन बता सकते हैं, एक एडजेक्टिव का भी नाउन से रिलेशन बता सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फर्स्ट पर है, द डॉग जम्प्ड इन टू द वाटर, द डॉग जम्प्ड इन टू द वाटर। यहाँ पर जो इन टू है ये एक डबल प्रपोजिशन है, क्योंकि देखिए आप खुद, इन जो है ये एक अलग वर्ड है, टू जो है ये एक अलग वर्ड है, इन एक अलग प्रपोजिशन, टू एक अलग प्रपोजिशन, बट दोनों साथ मिलकर यहाँ पर इस सेंटेंस में काम कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। द डॉग जम्प्ड, डॉग उछला, डॉग ने जम्प किया इन टू द वाटर, वाटर में। ओके, नेक्स्ट है, ही जम्प्ड अप टू द नेक्स्ट रूफ, अप टू डबल प्रपोजिशन, अब तो यहाँ पर एक डबल प्रपोजिशन है, गौर से देखें, अब एक अलग प्रपोजिशन है और टू एक अलग, तो ये दोनों साथ में मिल गए हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में, इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, तो ये डबल प्रपोजिशन है, रिलेशन बता रहे हैं ही जम्प्ड एंड द नेक्स्ट रूफ के दरमियान, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है डबल प्रपोजिशन वाला। नेक्स्ट है, आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, आई विल रिटर्न, मैं वापस कर दूंगी या मैं वापस कर दूंगा विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर, विद इन, विद एक अलग प्रपोजिशन है, इन एक अलग, तो ये दोनों यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये डबल प्रपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन डू नथिंग विदआउट मनी, यू कैन डू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते विदआउट मनी, पैसों के बगैर, मनी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो विदआउट यहाँ पर क्या है, ये एक डबल प्रपोजिशन है, बिकॉज विद एक अलग प्रपोजिशन है एंड आउट एक अलग, तो ये दोनों यहाँ पर साथ में मिल गए हैं और एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, विदआउट मतलब के बगैर, विदआउट मनी, मनी के बगैर, पैसों के बगैर। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, हमने डिस्कस किया कि डबल प्रपोजिशंस क्या होते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।